दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हो कि फ्री फायर कब वर्ल्ड का मोस्ट डाउनलोडेड गेम बना? क्या आप लोग ये जानते हो कि फ्री फायर की वजह से एक 17 साल के लड़के का मर्डर हुआ है? क्या आप लोग ये जानते हो कि पबजी, जो कि अब BGMI है, उसने फ्री फायर पे कोर्ट में केस क्यों किया है? क्या आप लोग ये जानते हो कि फ्री फायर में किसने 36 लाख के डायमंड खरीदे? तो आज की ये वीडियो में हम लोग यही बातें डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्री फायर में कौन सी ऐसी कार है जिससे सबसे ज्यादा डैमेज होता है, और कौन सी ऐसी कार है जिसकी सबसे ज्यादा हेल्थ है। गरीना फ्री फायर, जिसको हम लोग फ्री फायर के नाम से भी जानते हैं, ये गेम वर्ल्ड की मोस्ट डाउनलोडेड लिस्ट में नंबर 1 पे आया था 2019 में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई पबजी बैन होने के बाद तो फ्री फायर ही नंबर 1 पे आएगा, बट गाइस, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि पबजी जून 2020 में बैन हुआ था और फ्री फायर 2019 में फर्स्ट आया है। फ्री फायर के नाम पे 150 मिलियन डेली एक्टिव यूजर ग्लोबली है, और ये एक रिकॉर्ड भी है। चलिए आप लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तो आप जानते ही होंगे, फ्री फायर के नाम पे एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रजिस्टर है। 19 अगस्त 2021 फ्री फायर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जहाँ फ्री फायर ने लार्जेस्ट प्रोजेक्टेड वीडियो गेम डिस्प्ले किया था। ये इवेंट जो है वो लास्ट वेगास में हुआ था। फ्री फायर की टीम ने टोटल 46,744.65 स्क्वायर फीट पे गेम को डिस्प्ले किया था, और ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। पबजी के जो डेवलपर है, जिनका नाम है क्राफ्टन, उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया था फ्री फायर के अगेंस्ट, और उनकी जो पैरेंट कंपनी है जिसका नाम सी है, उसके अगेंस्ट फॉर कॉपीराइट इश्यूज लाइक ओवरऑल लुक, जो कि आप लोग जानते ही हो, गेम का फील पबजी बैटल ग्राउंड और पबजी मोबाइल के जैसा है, गेम की ओपनिंग शॉट जो है जहाँ पे हम लोग प्लेन से जंप करते हैं वो भी वो कहते हैं कि फ्री फायर ने जो है वो पबजी से कॉपी किया है, गेम की लोकेशन, उसकी वेपन्स और काफी कुछ। पबजी मोबाइल का ये क्लेम है कि फ्री फायर जो भी डेवलप हुआ है वो जो है वो पूरा इंस्पायर है या पूरी कॉपी है पबजी मोबाइल की। तो ये तो हो गई गेम की बात। अब हम बात करेंगे कि ये गेम की वजह से हम इंडियंस की लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे हैदराबाद के एक 16 साल के लड़के के बारे में, जिसने कुछ ही दिन पहले अपने ग्रैंडफादर के मोबाइल में फ्री फायर को इंस्टॉल किया। और आप लोग जानते हो कि आजकल के बैंक अकाउंट मोबाइल फोन से लिंक्ड होते हैं, और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, वो लोग इतने यूज्ड नहीं होते हैं मोबाइल फोन से और उनकी जो फीचर्स है उससे। वो लड़के को ये चीज़ अच्छे तरीके से पता थी, और उसने धीरे धीरे अपने ग्रैंडफादर के अकाउंट को नील कर दिया, और वो अकाउंट के पैसे से उसने जो है पूरे डायमंड्स। अब ये बात का पता किसी को चला नहीं, बट जब वो अगर हम लोग टोटल करते वो निकलता है 36 लाख का। ये अमाउंट अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है एक टीनेजर की तरफ से कोई भी गेम के अंदर। सो गाइस, आप लोग क्या सोचते हो कि किसी भी गेमिंग ऐप पे कितने तक की लिमिट होना चाहिए जहां हम लोग पैसे इन्वेस्ट करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे? प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। यहाँ पे वो लड़के का नाम और एड्रेस को मैं बता नहीं सकता, बट आप लोग गूगल करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। सिर्फ आप लोग को ये लिखना है कि 36 लाख इन्वेस्टेड इन फ्री फायर। चलो यार, पैसे गए तो गए, कोई मुश्किल नहीं, कमा लेंगे। बट जो बात मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो इससे भी बुरी है, और उसमें जो लॉस हुआ है वो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। सो गाइस, मैं आप लोग को अब एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी सुनाऊंगा 17 साल के एक ओडिशा के लड़के के बारे में, जो कि एक फ्री फायर एडिक्ट था। उसको फ्री फायर खेलना, उसमें डायमंड्स लेना काफ़ी पसंद था, और वो डायमंड्स के चक्कर में उसने अपने दोस्त यार, रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले से काफ़ी लोन लिया हुआ था। लोन का एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता, बट आर्टिकल में लिखा गया है कि 50 to 60,000 के बीच में कुछ वो लोन अमाउंट था। और जब भी वो उसके रिश्तेदार या दोस्त यार उससे वो पैसा रिटर्न मांगते थे, तो वो बंदा जो था वो उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता था, उनके फ़ोन्स कॉल नहीं लेता था, उनसे मिलता नहीं था, और उनको देख के अपना रास्ता बदल लेता। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने प्लान बनाया और उसको बाहर बुलाया, बोला चल भाई कहीं पे हैंग आउट करते हैं। वो दोनों कहीं एकांत जगह पे चले गए और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ड्रिंक करी, और जब दोनों काफ़ी हाई हो चुके थे तो उसके फ्रेंड ने उससे अपने पैसे वापस, जो कि उसने फ्री फायर में इन्वेस्ट कर लिए थे। अब वो अमाउंट उसके पास देने के लिए था नहीं, और दोनों काफ़ी नशे में थे, काफ़ी हाई थे, और उसने बोला भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है और मैं पैसे नहीं लौटा सकता। ये सुन के उसके दोस्त को काफ़ी गुस्सा आया और उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और इस अटैक में उसकी जान चली गई। सैड, वेरी सैड।
वीडियो काफी हैवी हो गई, चलो इसे थोड़ा लाइट करते हैं। क्या आप लोग ये जानते हो कि फ्री फायर में जो बॉम्ब है उसमें जो टाइमर होता है उसमें टाइम नहीं FF लिखा आता है? तो आप लोग में से कितने लोगों को ये फैक्ट पता था? अगर पता था तो भाई मुझे कमेंट करके बताओ। और गाइस अब जाते जाते कुछ फ्री फायर की टिप्स आप लोग को देना चाहूंगा। आप लोग ये जानते हो कि फ्री फायर में जो मॉन्स्टर ट्रक है, हाँ हाँ भाई वही मॉन्स्टर ट्रक, ये एक ऐसा ट्रक है जिसपे सबसे ज्यादा हेल्थ हो, मतलब भाई अगर आप ये मॉन्स्टर ट्रक लेके चलोगे तो आपको कम से कम डैमेज होगा। और आप लोग ये जानते हो फ्री फायर की जो सुपर कार है जिसको आप लोग लैम्बोर्गिनी भी बोल सकते हो, या जो फ्री फायर की लैम्बोर्गिनी है, वो एक ऐसी कार है जो सबसे ज्यादा डैमेज देती है। मेरा मतलब है कि अगर वो कार से आप किसी इंडिविजुअल पे अटैक करते हो या किसी इंडिविजुअल को क्रैश करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली या एग्जैक्ट मैं कहूंगा तो 438 का डैमेज भी मिल सकता है आप लोग। सो गाइस ये वीडियो थी फ्री फायर के बारे में। अगर आप लोग को इसी तरीके से कोई और गेम के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसे लगी, ये भी बताना। पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।